कटनी आम आदमी पार्टी जिला कटनी द्वारा रविवार को जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर नगर निगम चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई। आप जिलाध्यक्ष एडवोकेट सुनील मिश्रा ने कटनी नगर निगम से 12 प्रत्याशी व विजय राघवगढ़ नगर परिषद से 4 प्रत्याशी और बरही नगर परिषद से 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है। साथ ही आम आदमी पार्टी की मैनिफेस्टो में भवन टैक्स पर छूट देने की बात कही, साथ ही कमर्शियल एक्स पर आधा करने की बात कही है। आज आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय में आम आदमी पार्टी आगामी नगर निगम कटनी जिले के और नगर परिषद बरही और विजरागढ़ में चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से आज पहली सूची कटनी नगर निगम के 12 वार्डों की सूची और बरही नगर परिषद के 6 वार्डों की सूची और विजय राघवगढ़ नगर परिषद के 5 वार्डों की सूची आज कटनी जिले ने जारी किया है, अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशी जनता के अनुरूप हैं, शिक्षित पढ़े लिखे समाजसेवी वर्ग से आते हैं, गैर राजनीतिक हैं, आम जनता के अनुरूप हैं। राजनीतिक लोगों को वोट देकर के लोगों ने इतने वर्षों में देखा है, अब आम आदमी पार्टी की तरफ लोग नज़र गड़ाए हुए हैं। सबकी एक आशा है कि एक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी हमारे शहर में भी आए, लोग वोट देने के लिए उत्सुक हैं। निरंतर लोगों के फोन आ रहे थे कि कब आप अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, इसलिए आज पहली सूची जारी करनी पड़ी। कल शाम को महापौर प्रत्याशी की घोषणा आम आदमी पार्टी करेगी और 3 चरणों में हम सभी समस्त वार्डों के प्रत्याशी घोषित कर देंगे। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।